वेलकम ऑल। आज भी पांच इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंप्लीट कर लेंगे। आज का पहला है आयरनी ऑफ फेट, हिंदी होगी विधि की विडंबना। दूसरा इन फुल स्विंग, हिंदी होगी पूरे जोर में। फिर लंप सम, हिंदी होगी एक मुस्त। रॉयल रोड, हिंदी सुगम रास्ता। एंड द लास्ट कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड। समझते हैं एक एक को। देखिए पहले आयरनी का मतलब समझिए। आयरनी का मतलब खुद ही मतलब होता है विडंबना। आयरनी का खुद ही मतलब है विडंबना। इसका दूसरा मतलब भी है व्यंग्य। व्यंग्य दूसरा भी मतलब है, ताना भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे फेट मतलब आप जानते हैं, फेट मतलब भाग्य। इसे विधि भी कहते हैं, विधि का विधान निश्चित मना है तो विधि भी कहते हैं। तो अब देखिए आयरनी ऑफ फेट मतलब विधि का विडंबना, विधि का विडंबना। तो विडंबना स्त्रीलिंग है तो विधि की विडंबना कहेंगे ऐसे, तो विधि की विडंबना। जैसे वर्ड्स हैं वैसा ही इसका मीनिंग है। तो इट इज आयरनी ऑफ फेट, यह विधि की विडंबना है। दैट की राम, राम बिकेम हो गया अ बेगर एक भिखारी। ओवरनाइट, ओवरनाइट मतलब रात भर में। राम रात भर में एक भिखारी हो गया, यह विधि की विडंबना है। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। दूसरा है इन फुल स्विंग। स्विंग मतलब होता है जोर, होता है जोर। फुल मतलब पूरा और इन मतलब में हिंदी क्या है, पूरे जोर में। तो जो वर्ड्स हैं वही इसके मीनिंग है। यह भी एक फ्रेज है 106 नंबर के ही जैसा। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे, ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली। ओकेजन का स्प्रिंग ध्यान रखेंगे डबल सी होता है और एक एस होता है। ओकेजन का हिंदी है अवसर। ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली के अवसर पर। क्लीनिंग ऑफ हाउसेस इज इन फुल स्विंग, घरों की सफाई। क्लीनिंग ऑफ हाउसेस मतलब घरों की सफाई। इज इन फुल स्विंग, पूरे जोर में है या होती है, दोनों कह सकते हैं। तो दिवाली के अवसर पर घरों की सफाई पूरे जोर में होती है, यह यूज किया हमने फुल स्विंग, इन फुल स्विंग का। नाउ लंप सम। लंप का मतलब दो वर्ड, एक होता है ढेर और भी होता है, दूसरा होता है गांठ। गांठ तो मेडिकल टर्म हो जाएगा। सम का मतलब आप जानते हैं जोर, दूसरा कह लेंगे राशि। ठीक, अब मतलब निकालते हैं। राशि कैसी, जो ढेर हो, ढेर में हो, भोजपुरी का ढेर नहीं, ढेर में हो। तो ढेर में राशि मतलब क्या, एक मुस्त। एक मुस्त मतलब क्या, एक साथ। एक मुस्त मतलब एक साथ। तो होता क्या है, जैसे ट्यूशन फी पे करना है, अगर आप कोई एसएससी कोचिंग ज्वाइन करते हैं जो वहां की प्रथा होती है, कहते हैं कि एवरी मंथ जो चार्ज है 1,500 है। और फिर कहते हैं अगर आप 6 मंथ का चार्ज वन टाइम देंगे तो आपको केवल 6,000 देना पड़ेगा। तो ये वन टाइम जो देना है ना, ये वन टाइम चार्ज, दिस वन टाइम चार्ज इज नोन एज एक मुस्त चार्ज। एक साथ जो पैसे देते हैं, और इसे ही कहते हैं हम लंप सम। लेकिन अगर आप एवरी मंथ देंगे 1,500, इसे बोलेंगे इंस्टॉलमेंट्स में देना। तो लंप सम होता है एक बार में सारा फीस चुका देना, और इंस्टॉलमेंट्स होता है बार बार में फीस को चुकाना। तो यही है लंप सम। मीरा, इसे ऐसे ही यूज किया है मैंने, हम कहाँ गया पेन। मीरा पेड हर ट्यूशन फीस। मीरा ने अपना ट्यूशन का खर्च जमा किया इन अ लंप सम, मतलब एक मुस्त। इनके साथ लंप सम के साथ इन ए लगाना पड़ता है, इन ए लंप सम, ये भी याद रखना है आपको। तो इन ए लंप सम, लंप सम मतलब एक मुस्त। नाउ रॉयल रोड, इसे पढ़ते हैं रॉयल, आर ओ वाई एल, रॉयल और फिर रोड। रोड मतलब रास्ता,
ठीक है, इसको तो समझ गए। अब रोयल क्या है? रोयल मतलब होता है राजा, शासक, शासक का रास्ता। रॉयल रोड मतलब शासक का रास्ता। आप देखते हैं जब कोई बहुत बड़ा, जैसे प्राइम मिनिस्टर को जाना होता है कहीं एक जगह से दूसरी जगह, तो जिस सड़क से जाना होता है प्राइम मिनिस्टर को, कुछ समय के लिए उस सड़क पे कोई और गाड़ी नहीं चलती है, किसी व्हीकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल सुगम बना देता है ताकि कम से कम समय में प्राइम मिनिस्टर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे, किसी तरह की किसी गाड़ी से कोई खतरा ना हो, और सड़क भी बिल्कुल स्मूथ सा होता है और उसी सड़क को चुना ही जाता है। तो ये सड़क कैसा कहलाएगा? ये सड़क जो रॉयल वाला सड़क है, जिसे रॉयल यूज कर रहे हैं, क्या कहलाएगा? सुगम नहीं कहलाएगा। तो अगर हम रॉयल रोड कह देते हैं मतलब वो सुगम होगा ही होगा, इसीलिए इसके लिए कर दिया सुगम रास्ता रॉयल रोड का। अब यहाँ पे यूज किया हमने इसको, द पाथ ऑफ सक्सेस, सफलता का रास्ता, इज नॉट अ रॉयल रोड, सुगम नहीं होता है। सफलता का रास्ता, सुगम रास्ता तो स्त्रीलिंग है, सफलता के रास्ते कह देते हैं, पाथ यहाँ करते हैं, सफलता के रास्ते सुगम नहीं होते हैं, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग ही है, ठीक है, सफलता के रास्ते सुगम नहीं होते हैं। नाउ कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पे आर हो जाएगा। अगर हम केवल एस, केवल पाथ भी रखते हैं तो भी सी ठीक है, और पास करेंगे तो यहाँ पे आर करना पड़ेगा। तो द पाथ ऑफ सक्सेस इज नॉट अ रॉयल रोड, मतलब सफलता का रास्ता सुगम नहीं होता है, ये हिंदी मान लेंगे, जो लिखा था वही करेक्ट मान लिया हमने, और करेक्ट है भी। नाउ कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट के हिंदी मृत्यु दंड कैसे होती है? आप इतना तो जानते हैं कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा दंड है अपराध करने के लिए, वह मृत्यु दंड ही है। बिल्कुल करेक्ट, इसी को मैं इसको यूज करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। कैपिटल का मतलब आप जानते हैं राजधानी, जानते हैं। कैपिटल का एक और मतलब होता है शीर्ष, इसका मतलब शीर्ष। पनिशमेंट का मतलब आप जानते हैं, अब सजा, क्या बोलते हैं इसे, सजा। अब शीर्ष सजा, मृत्यु दंड, ठीक है, थोड़ा तो समझ में आया है आपको। दूसरा से बिल्कुल समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में एससी लिख दिया, और हाई कोर्ट जितने होते हैं उन्हें शॉर्ट में हमने लिख दिया एचसी। जो सुप्रीम कोर्ट होता है इसे हम कहते हैं शीर्ष न्यायालय। आप पोल्टी में पढ़े होंगे शीर्ष न्यायालय। शीर्ष मतलब क्या? सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा न्यायालय, शीर्ष पर स्थापित न्यायालय। अब यहाँ पे शीर्ष में क्या? सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा सजा, बड़ी सजा। तो सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है हमारे देश के लिए? मृत्यु दंड ही हो सकती है, इसलिए कैपिटल मृत्यु दंड को हम कैपिटल पनिशमेंट कह देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सजा है यह। तो सबसे बड़ी सजा कहिए चाहे मृत्यु दंड कहिए, बात तो एक ही है ना, इसलिए मृत्यु दंड कहा जाता है। अब नाउ सेंटेंस में यूज, कैपिटल पनिशमेंट इन मेनी कंट्रीज हैज अबोलिस्ट, बहुत से देशों में, इन मेनी कंट्रीज, बहुत से देशों में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया है, या समाप्त हो गया है, नहीं एक्टिव वॉइस ही है, मृत्युदंड समाप्त हो गया है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, पांच जो आज के पांच इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला था आयरनी ऑफ फेट, विधि की विडंबना, सेंटेंस में यूज किया है। ओवरनाइट का मतलब रात भर में। इन फुल स्विंग, पूरे जोर में, इसको भी ठीक से यूज किया है। लंप सम, इसे बताया कि लंप सम और इंस्टॉलमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, एक मुश्त हिंदी होगी। रॉयल रोड, समझने की कोशिश की कि रॉयल रोड सुगम रास्ता कैसे होता है। फिर कैपिटल पनिशमेंट को हमने मृत्यु दंड हिंदी क्यों होती है यह समझ लिया। तो इसमें इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।